কাম তো আমার মেইন মালটা বলে हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्मी फूड टेबलर और मैं हूं देवाशीष दत्ता नवद्वीप धाम से। मायापुर इस्कॉन टेम्पल या मायापुर में जो भी सारे मंदिर हैं वहां पे कैसे जाएंगे, नवद्वीप धाम रेल स्टेशन से या बस टर्मिनल से, चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। नवद्वीप रेल स्टेशन से अगर जाएंगे तो पहले हमको नवद्वीप फेरी घाट जाना पड़ेगा और इसका डिस्टेंस है 3 किलोमीटर के आसपास और 10 से 15 मिनट लगेगा अगर बैटरी रिक्शा या टोटो में जाएंगे तो। और नवद्वीप धाम बस टर्मिनल से नवद्वीप धाम फेरी घाट तक का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर के आसपास और समय लगेगा सेम 10 से 15 मिनट तक। और यहाँ वहाँ से भी आपको रिक्शा या ई रिक्शा टोटो ये सब मिल जाएगा। फिलहाल मैं अभी नवद्वीप रेल स्टेशन से जा रहा हूँ और इसका जो फेयर जो है आपको 15 से 20 रुपये लेता है और भाड़ा जो है 15 से 20 रुपये पर पर्सन। अभी मैं फेरी घाट पहुँच गया हूँ, ये देखिए अभी फेरी घाट पहुँच गया हूँ। यहाँ से नाव या स्टीमर मिल जाएगा मायापुर जाने के लिए। ये देखिए फेरी घाट के आसपास बहुत सारे गेस्ट हाउस होटल आपको मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं यहाँ पे भी रह सकते हैं आप। घाट के सामने टिकट काउंटर मिल जाएगा, यहाँ से हमको टिकट काटना पड़ेगा और टिकट का जो फेयर है 7 रुपीज़, 7 रुपये करके है पर पर्सन। ये देखिए 7 रुपये का टिकट का फेयर है। अभी देखिए यहाँ पे गेट है, यहाँ पे आपको टिकट दिखाना होगा और टिकट दिखा करके मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ नाव की तरफ। यहाँ से मैं अभी बोट पकड़ूँगा, देखिए इसी रास्ते से जाना होगा। अभी मैं घाट के पास आ गया हूँ, ये देखिए ये घाट के पास आ गया हूँ। ये देखिए ये देखिए इस्कॉन टेम्पल है, ये है ये देखिए। मैं अभी स्टीमर में उठ गया हूँ, ये देखिए। इस घाट से मायापुर इस्कॉन टेम्पल दिखा देता है, ये देखिए एकदम दूर से दिखाई दे रहा है और चारों तरफ का जो नज़ारा है बहुत सुंदर सा है, आप यहाँ से अच्छे अच्छे सेल्फी ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, नाव में जाने से 3 रुपये लगेगा और स्टीमर में जाने से 7 रुपये लेता है। नाव से जाएंगे तो इस घाट के अपोजिट में आपको पूछा जाएगा तो वहाँ से आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, अगर स्टीमर में जाएंगे तो एकदम नज़दीक जाकर पूछा जाएगा तो आपको स्टीमर का टिकट काटना है, ठीक है। ये देखिए थोड़ी देर में हम लोग मायापुर घाट पहुँच जाएंगे, देखिए मायापुर घाट है, थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से अभी टेम्पर या बैटरी का गाड़ी लेना होगा, फेरी घाट से जो भी मिल जाए बीच का या ये देखिए बस जो भी मिल जाए उसमें चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से बस भी मिल जाएगा, आपको जो भी मंदिर में जाना है या स्कूल में जाना है। मैं अभी फ़िलहाल ई रिक्शा ले लिया हूँ, 10 रुपये या 15 रुपये का लगेगा पर पर्सन। रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलेगा। ये टेम्पल है, ये श्री कृष्ण चैतन्य मठ है ये। अभी हम लोग इस्कॉन पहुंचने वाला है दोस्तों, रास्ते में बहुत सारे आपको गेस्ट हाउस धर्मशाला ये सब मिल जाएगा आपको। ये देखिए पहुंच गया हो मायापुर इस्कॉन टेम्पल, ये देखिए ये है मायापुर इस्कॉन टेम्पल। अभी मैं मंदिर के गेट के सामने हूँ, ये देखिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मायापुर इस्कॉन टेम्पल के अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या है वो सब दिखाएंगे और मंदिर का भी दर्शन कराएंगे और उसमें रहने के लिए और भूख प्रसाद के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।